माई न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना घर का होम टूर शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैंने जब घर को अपना डेकोरेट किया है तो मैं अभी तक आप लोगों के साथ कोई भी होम टूर शेयर नहीं की हूँ। तो बहुत सारी मेरे फ्रेंड हैं जो बोल रहे थे आप अपना घर का होम टूर शेयर करें, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना होम टूर शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देख के बताइए कि मेरा घर मैंने कैसे डेकोरेट किया है। फ्रेंड यहाँ पे है मेरा, इधर रेंटर लोग रहते हैं और ये वाला एरिया हमारे तरफ का है। और ये रही मेरी धन्नो, और आप लोग को दिखाती हूँ, ये रहा मेरा मेन गेट। ये मेन गेट थोड़ा छोटा है फ्रेंड, थोड़ा सा बड़ा रहता तो बहुत अच्छा लगता, मगर कोई नहीं है, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। और कि समाप्ति कभी नहीं होती है, इच्छा पूर्ति तो कभी नहीं होती है फ्रेंड। तो यहाँ से मेरा घर ऐसे दिखता है, ये मेन एंट्रेंस। और यहाँ से इधर मैंने पापा के लिए एक छोटा सा वॉशरूम बनवाया है। तो पहले मैं पापा का बेडरूम दिखाती हूँ। तो ये है मेरे पापा का बेडरूम। ये रूम का कभी भी मैं होम टूर नहीं करवाई हूँ। तो यहाँ पे एक हीटर लगा रखा है, एक बेड है, बस दो चेयर हैं, और ये पापा के लिए एक टीवी है। और फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ फ्रेंड, और ये रहा मेरा मेरे तरफ जाने का एरिया, यानी जिधर मेरा हम लोग सब को ही रहते हैं। पापा का रूम अलग हो जाता है। और यहाँ से जैसे ही घुसते हैं तो यहाँ पे सोफ़ा, थ्री सीटर सोफ़ा रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने ऐसे डेकोरेट किया, ये सारा कुछ वॉलपेपर लगा हुआ है फ्रेंड। ये वॉलपेपर है, ये जो वॉल पे जितना है ये वॉलपेपर है। यहाँ पे एक शीशा वाला घर है, दो शोपीस हैं, ऊपर में गणेश भगवान है। तो जैसे हुआ मैं डेकोरेट की हूँ। एक छोटी सी फैमिली फ्रेम है फ्रेंड यहाँ पे। तो फैमिली फ्रेम में है फ्रेंड, मेरी बहन है यहाँ पे, मेरे मम्मी पापा और मैं, मेरी छोटी बहन है यहाँ पे, मेरे दोनों लड़के हैं और यहाँ पे हम दोनों बहन हैं, यहाँ पे मेरे बच्चे और फिर पापा हैं। फिर यहाँ से पहले इस जगह, और थ्री सीटर सोफ़ा इधर है फ्रेंड इधर, और एक सोफ़ा मैं यहाँ रख दी हूँ। यहाँ पे एक अलमीरा रखी हूँ जिसमें बेड शीट वगैरह जो भी कपड़े हैं वो रखे हुए हैं। इसको मैंने ऐसे डेकोरेट किया है, शायद आप लोग को अच्छा लगे। यहाँ पे एक दुर्गा माता का धान से बना हुआ पिक्चर फोटो फ्रेम है। और यहाँ पे मैं ऐसे करके, क्योंकि ये दीवार बहुत काला था फ्रेंड, तो इसे मैं वॉलपेपर से कवर की हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा टी टेबल रख दी हूँ। और यहाँ पे हमारा मंदिर है जो मैंने कोशिश की है अच्छे से डेकोरेट करने की। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा है मेरा मंदिर। और ये मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे भगवान जी को मैंने ऐसे हैंगिंग कर दिया है फ्रेंड। और यहाँ पे मंदिर है, इसमें ड्रावर में पूजा के जो भी सामान रखे हैं वो रखा हुआ है। और यहाँ से फ्रेंड मैं चलती हूँ अपने रूम में। और यहाँ पे एक अलमीरा है जो पूजा के पास प्लाई रखा हुआ था फ्रेंड, वो वाला को कट केयर करके मैं ऐसे अलमीरा बना दी हूँ। तो इस पर मैंने जो भी डब्बे वब्बे और जो भी कपड़े वगैरह हैं वो रखा हुआ है। इधर भी अचार की बर्न डब्बे कपड़े वगैरह हैं। और यहाँ से मेरा बेडरूम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा अलमीरा रखी हूँ फ्रेंड। और ये बैग मैं अभी गई थी हस्बैंड के यहाँ, वो वाली है, रखी हुई है अभी, इसे वॉश नहीं। तो इस पे मैं ऐसे डेकोरेट की हूँ। यहाँ पे चश्मा, दवा वगैरह, एक फ्लावर पोट। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का साथ एक पिक्चर फ्रेम लगाई हूँ। यहाँ पे ऐसे करके मैं इसको डेकोरेट की हूँ। और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। देखिए ये भी वॉलपेपर है फ्रेंड, ये भी वॉलपेपर लगा दी हूँ मैं चारों तरफ दीवार पे, क्योंकि पेंट काफ़ी गंदा हो रखा था तो मैं सोची इसे वॉलपेपर लगा देती हूँ। और ये एक स्टार वाली लाइट लगाई हूँ, ये लाइट मुझे ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। और ये ड्रेसिंग टेबल मैं हाल में ही लाई हूँ फ्रेंड, जब ये सोफ़ा खरीदी थी तभी ये ड्रेसिंग टेबल लाई हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल रख दी हूँ जैसे चाय वगैरह रखने के लिए। तो ये रहा मेरा बेडरूम का फाइनल लुक, देखिए कैसा है बताइएगा ज़रूर। और यहाँ से ऐसे फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं बच्चों का रूम। तो ये रहा बच्चों का रूम, यहाँ पे दोनों बच्चों का रूम है, जो कि ये पहले मेरा रूम होता था,
अब इस पे बच्चे लोग कब्जा कर ली हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ डेकोरेटिव चीज़ नहीं है फ्रेंड, क्योंकि बच्चों लोगों को उतनी डेकोरेशन पसंद नहीं है। और यहाँ पे एक टीवी रखा, यहाँ पे एक टीवी है और यहाँ पे एक फ्लावर पॉट है। मैंने ये देखिए बनाया है इसको इस तरह से, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और एक अलमीरा मैं इधर भी ख़रीद के लाई हूँ, इसमें बच्चों का, दोनों भाई का, इसमें दोनों बेटों का मेरा कपड़ा अरेंज करके रखा हुआ है, दोनों का एक अलग सेक्शन बना दी हूँ, इसमें भी वही है। तो फिर ये रूम ख़त्म हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं, बच्चे लोग ट्यूशन वगैरह जाते हैं। और अब आ जाते हैं हम अपने किचन में, तो ये रहा हमारा किचन, ये देखिए किचन। और ये कप सेंटर है, यहाँ पे कप वगैरह ट्रे वगैरह रखती हूँ, यहाँ पे बर्तन स्टैंड है। और ये जो वॉलपेपर मैं लगाई हूँ पूरे किचन में, ये देखिए, अभी कुछ कुछ और लगाना है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर वॉलपेपर लगाना है मुझे, ये आ रखा है मगर नहीं लगाई हूँ। यहाँ पे चढ़ा दी हूँ सब्जी, हमारी सब्जी बन रही है, दोपहर का टाइम हो गया है। और देखिए, और यहाँ पे ये एक मैंने स्टैंड मंगाया है, उस पर मैंने यहाँ पानी गर्म करने वाला रखा है। और यहाँ पे हमारा सिंक है, थोड़ा सा यहाँ वॉलपेपर लगाना है, अभी लगा नहीं है। और यहाँ से दिखाते हैं हम अपना किचन, तो यहाँ पे जो भी कुकर वगैरह रखा हुआ है, ये इधर नॉनवेज वगैरह मैं बनाती हूँ, वहाँ पे डेली का खाना बनता है, फ्रिज। अब बताइएगा हमारा घर का होम टूर आप लोगों को कैसा लगा। इधर से जाने के लिए है, मतलब रेंट के तरफ, रेंटर के तरफ डिमांड था कि जो आपने घर को मेकओवर किया है मुझे वो दिखाइए। तो देखिए बज गए हैं एक, और ये रहा हमारा घर का होम टूर। फ्रेंड अगर आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा होम टूर, तो आप लोग एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कहाँ से देखते हैं ये भी जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग के वजह से ही मैं इतना आगे आई हूँ, और आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं मंजिल पे भी जरूर पहुँचूंगी। तो मिलते हैं एक नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड।